जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप सभी लोग अच्छे होंगे और अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो आज की वीडियो है देश और उनके संसद, और यहाँ से क्वेश्चन नेवी हो चाहे एयरफोर्स का हो पूछा जा रहा है, तो इसीलिए मुझे लगा कि ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आपको बताया जाए। तो यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट देश लिए गए हैं और उनके संसद लिए गए हैं जो एयरफोर्स नेवी में पूछे जा सकते हैं, तो इसको ध्यान से आपको देखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है स्पेन। स्पेन को देखो याद करने का ट्रिक क्या है, स्पेन का होता है कोर्टेस। तो देखो कोर्टेस में एक साउंड आ रहा है कोर्ट का, दो अक्षरों को अगर मिला रहे हो तो कोर्ट का साउंड दे रहा है कोर्टेस, कोर्ट। और देखिए जो कोर्ट होता है, अब इसमें देखो स्पेन में क्या साउंड आ रहा है, लास्ट में पेन का साउंड आ रहा है। तो आपको रिलेट करना है, जो कोर्ट होता है बड़े लोग कोर्ट के जेब के अंदर क्या रखते हैं, पेन रखते हैं। तो ऐसे इसको रिलेट करना है, और आपको देश और संसद से ही रिलेटेड आपको बनाना है ट्रिक, तो आसानी से आपका बन जाएगा। कैसे बन जाएगा कि जैसे ही आपका स्पेन दिखाई दे तुरंत आपके माइंड में क्या आना चाहिए, पेन। पेन पेन जो होता है कोर्ट के जेब के अंदर होता है। तो ऐसे मतलब बना के आपको याद करोगे तभी याद होगा, नहीं तो क्या होगा कि आप कुछ टाइम तक इसको याद कर पाओगे फिर उसके बाद भूल जाओगे। तो इसीलिए मैं ट्रिकी बेस पर करा रहा हूँ ताकि आपको हमेशा के लिए याद हो जाए। दूसरा है नेपाल। तो नेपाल का जो होता है राष्ट्रीय पंचायत होता है। अब यहाँ पर इसको देखो कैसे याद करना है, देखो राष्ट्रीय पंचायत, पंचायत। अब देखो पंचायत जो होता है वो बहुत पुराने समय में होता था, और उसको कराने के लिए कुर्सी मेज तो लगाया नहीं जाता था, वैसे ही पाल बिछाकर, यहाँ से नेपाल में जो है पाल, पाल मतलब चटाई होता है, पाल बिछाकर पंचायत कराया जाता था। तो जैसे ही नेपाल दिखाई दे तो यहाँ से रिलेट करना है नेपाल, पाल बिछाकर पंचायत कराया जाता था। तो राष्ट्रीय पंचायत कहाँ का है, नेपाल का है। तो ऐसे रिलेट करके याद करना है आपको। अगर अच्छा लग रहा है वीडियो तो लाइक कर देना, क्योंकि आपके सपोर्ट का ही नतीजा होता है कि हम मेहनत करते हैं और आपको अच्छा कुछ कराने की कोशिश करते हैं। तीसरा है रूस। और रूस के संसद का नाम क्या है, ड्यूमा है। अब देखो इसको कैसे याद करना है, ड्यूमा, माँ को अगर छोड़ दिया जाए तो क्या आ रहा है, ड्यू आ रहा है। और आपने सुना होगा माउंटेन ड्यू, माउंटेन ड्यू, तो वहाँ से इसको रिलेट करना है। और अगर हम, अब देखो इसका बनाना कैसे है, देखो माउंटेन ड्यू अगर हम पीते हैं तो हमारा क्या होता है, कलेजा जलने लगता है और रूह पूरा कांप जाता है। तो रूह से रूस का रिलेट करना है और ड्यूमा से माउंटेन ड्यू का रिलेट करना है और याद कर लेना है। तो याद हो गया होगा, फिर से एक बार देखो, अगर हम माउंटेन ड्यू पीते हैं तो हमारा रूह जो होता है रूह से रूस को बनाना है और याद करना है। नेक्स्ट है चीन। तो चीन का जो है संसद का नाम है नेशनल पीपल्स कांग्रेस। अब देखो इसको याद कैसे करना है, चीन में बहुत ज़्यादा लोग हैं और लोग को क्या कहते हैं, पीपल्स कहते हैं। तो ऐसे रिलेट करके याद करना है, पीपल्स को ही, लोग को ही पीपल्स कहते हैं। तो नेशनल पीपल्स कांग्रेस कहाँ का है, चीन का है। जैसे ऑप्शन में दिया रहे आपको, देखो जैसे क्वेश्चन दिया रहे नेशनल पीपल्स कांग्रेस कहाँ का संसद है, तो ऑप्शन में दिया रहेगा चीन, मलेशिया, अफगानिस्तान। तो जैसे ही आपको पीपल्स दिखाई दिया तो आपके माइंड में एक क्लिक करेगा, पीपल्स जो है लोग बहुत ज़्यादा चीन में हैं, तो आप तुरंत आप ऑप्शन लगा दोगे। अगर दो तीन बार आप वीडियो देखते हो तो आपको याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, दो तीन बार इसका प्रैक्टिस सेट कर लो, आराम से याद हो जाएगा। और देखिए मैंने देश पर भी बनाया है ट्रिक, उसकी वीडियो अगर देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से जाके आप देख सकते हो। जैसे चीन का कैसे होता है ट्रिक मैंने बनाया है, चीन में बहुत ज़्यादा लोग हैं, चीन का जो राजधानी होता है वो होता है बीजिंग, चीन में बहुत ज़्यादा लोग हैं, वहाँ के लोग बिजी होते हैं, बिजी से बीजिंग। तो ऐसा ट्रिक बनाया है, वो वीडियो अगर देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाके देख सकते हो। नेक्स्ट है मलेशिया। मलेशिया का जो संसद का नाम है वो है दीवान निगारा। अब देखो इसको कैसे याद करना है, दीवान, इसमें देखो संसद में जो है दीवान आ रहा है, तो दीवान किसको कहते हैं, लकड़ी के सामान कोई होता है उसे ही को दीवान कहा जाता है। अब यहाँ पर देखो मलेशिया में आपको बनाना है मेला, मलेशिया मेला, मतलब कि ऐसे रिलेट करना है, क्योंकि देखो
देश से ही पूछा जा रहा है तो उसमें मलेशिया सिर्फ एक ही दिखाई देगा, उसी से रिलेट करना है आपको, तो मलेशिया से आपको मेला रिलेट करना है। और जो मेला होता है वहाँ लकड़ी के सामान बहुत ज़्यादा मिलते हैं, दीवान वगैरह, तख्ता जिसे कहते हैं गाँवों में, तो वो बहुत ज़्यादा मेला में ही मिलता है। तो जैसे ही आपको मलेशिया दिखाई दे, आपको क्या ढूंढना है, मेला, और मेले में लकड़ी के सामान बहुत ज़्यादा मिलते हैं, तो लकड़ी का एक ही इसमें ऑप्शन रहेगा और वो हो जाएगा दीवान। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट है अफ़गानिस्तान। अफ़गानिस्तान का जो संसद का नाम है वो है सोरा। अब देखो इसको कैसे याद करना है, इसको देखो, सोचते हैं क्या बनेगा इसका। देखो अफ़गानिस्तान, अब गानी, गानी से गाना बन रहा है ना, गानी गानी गाना, तो गाना अगर आप सुन रहे हो, कोई शोर करता है तो क्या आता है, गुस्सा आता है, तो ऐसे इसको रिलेट करना है। अफ़गानी से, अफ़गानी एक गाना भी होता है, अफ़गानी एक गाना होता है, तो इससे रिलेट कर लेना है, गानी से गाना। और अगर आप गाना सुन रहे हो, कोई शोर करेगा तो आपको गुस्सा आएगा, चपेड़े लगा दोगे, तो ऐसे रिलेट करके इसको याद कर लेना। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, और चैनल पर अगर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। स्विट्ज़रलैंड, स्विट्ज़रलैंड का जो संसद का नाम है फेडरल असेंबली है। अब देखो इसको कैसे याद करना है, ये तो सभी को पता होगा कि स्विट्ज़रलैंड जो हो देश है वो बर्फीला इलाका है, और बर्फीले इलाके में जो रहते हैं वो लोग क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा गोरे होते हैं। तो अब यहाँ पर फेडरल दिखाई दे रहा है, तो इससे फेयर एंड लवली बनाना है, तो ऐसे बनाना है। स्विट्ज़रलैंड के लोग जो होते हैं वो बर्फीले इलाके में रहते हैं, क्योंकि वहाँ ठंडी बहुत ज़्यादा होती है, वहाँ के लोग गोरे होते हैं और उनको फेयर एंड लवली की ज़रूरत पड़ती ही नहीं है, तो ऐसे इसको रिलेट करके बनाना है। स्विट्ज़रलैंड का फेयरल, फेयरल आएगा, असेंबली फेयर एंड लवली, ठीक है, बन जाएगा, आराम से याद कर लेना। चलते हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट है पोलैंड। पोलैंड का जो होता है सोजिम होता है। अब देखो इसको कैसे याद करना है, सोजिम में देखो लास्ट में जिम आ रहा है, और जिम में लोग क्या करते हैं, जाते हैं बॉडी बनाने। और पोलैंड जो है एक खेल का क्या है, एक मतलब खेलने वाला एक सामान होता है पोलैंड, और यहाँ से सिर्फ आपको ये रिलेट करना है, जिम जो होता है वहाँ कसरत भी करते हैं लोग, मस्ती मजाक भी करते हैं और खेलते भी हैं, तो जिम में क्या है, पोलैंड के सामान भी हैं, तो ऐसा इसका रिलेट करके याद करना है, जो जिम है वहाँ पोलैंड के सामान भी हैं, तो ऐसे आपको रिलेट करने हैं। चलते हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट है जापान। जापान का जो होता है संसद का नाम डायट होता है। अब देखो इसको कैसे याद करना है, अब यहाँ पर देखो डायट आ रहा है, यहाँ पर पान आ रहा है, लास्ट में अगर जा को छोड़ दिया जाए तो पान आ रहा है, अगर हम पान को खाएंगे तो हमारा डाइटिंग जो होगा, डायट होगा, वो ख़राब हो जाएगा ना, तो ऐसे इसको रिलेट करके याद करना है। नेक्स्ट है ब्रिटेन, और ब्रिटेन के जो संसद का नाम है वो है पार्लियामेंट। अब देखो इसको कैसे याद करना है, यहाँ पर देखो पालिया से पार्ले बिस्कुट बन रहा है, क्या बन रहा है, पार्ले बिस्किट। अब देखो यहाँ से ब्रिटेन से क्या बन रहा है, ब्रिटानिया बिस्किट, खाए हो ना, वही बन रहा है। तो कभी भी अगर बिस्किट के बारे में आए, मतलब कि पार्लिया आ जाए, तो वो आपको बनाना है पार्लिया, पार्ले बिस्किट, और यहाँ ब्रिटेन से ब्रिटानिया बिस्किट, ऐसे बना के याद कर लेना है इसको। चलते हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट है अमेरिका का होता है कांग्रेस। तो ये तो सिंपल है, इसको याद कर लेना, कैसे याद करना है, देखो अमेरिका बहुत अमीर देश है, और जो कांग्रेस पार्टी है वो हमारे देश में बहुत ज़्यादा सालों तक राज की है, तो इसका मतलब है इसके पास भी, कांग्रेस के पास भी बहुत ज़्यादा पैसा होगा, तो ऐसे इसको याद करना है, अमेरिका का क्या होगा, कांग्रेस होगा। चलते हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट है बांग्लादेश, और बांग्लादेश का क्या होता है, जातीय संसद होता है। तो यहाँ पर देखो अगर बात करें भारत का, भारत का क्या होता है, संसद होता है, अब बांग्लादेश हमारा पड़ोसी देश है, और वहाँ पर जाति भेदभाव भी बहुत ज़्यादा है, पड़ोसी देश है तो वहाँ पर जाति भेदभाव भी है, और यहाँ पर अगर संसद आ रहा है लास्ट में, तो इसका मतलब पड़ोसी देश है, तो संसद भी हमारे देश का ही है, तो इससे रिलेट करके याद कर सकते हो, बांग्लादेश में जाति भेदभाव है,
क्योंकि वो हमारा पड़ोसी देश है, तो ऐसे इसको रिलेट करके याद करना है। नेक्स्ट है युआन, तो युआन की संसद का नाम है ताइवान, तो इसको याद करने का ऐसा ट्रिक है, देखो युआन, यू को अगर छोड़ दिया जाए तो क्या आ रहा है आन, और यहाँ पर क्या आ रहा है, ताई को छोड़ दिया तो वान आ रहा है, तो ऐसे रिलेट करना है आन वान सान, तो यहाँ पर यू आन में क्या आ रहा है, आन आ रहा है, और इसमें ताई में वान आ रहा है, तो ऐसे रिलेट करना है, हम डिफेंस का एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए आन वान लगा देंगे, ऐसे बनाओ और याद कर लेना है इसको, यू आन का ताइवान। और भी इसका ट्रिक बनेगा, पर आपको एक ही ट्रिक बताया जा रहा है ताकि आपको याद हो जाए। चलते हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट है जर्मनी, जर्मनी का देखो क्या होगा, बुंद बुंद सटेग, तो ये होता है, बट यहाँ पर देखो अगर इसको रटने की कोशिश करोगे कुछ टाइम तक याद रहेगा, फिर इसके बाद भूल जाओगे, तो रटना नहीं है, देखो इसको कैसे याद करना है, जर्मनी, यहाँ पर अगर जर को छोड़ दिया जाए तो क्या आ रहा है, मनी आ रहा है, और मनी को इकट्ठा करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, बूंद बूंद इकट्ठा करके मनी हम इकट्ठा करते हैं, सॉरी थोड़ा गलत हो गया, देखो कैसे याद करना है, हम बूंद बूंद करके मनी इकट्ठा करते हैं, बूंद बूंद करके हम मनी इकट्ठा करते हैं, तो बूंद बूंद सटेंग जैसे ही सुनाई दे तो आपको जर्मनी लगा देना है ऑप्शन, तो ऐसे इसको याद करना है। और नेक्स्ट है नेशनल असेंबली, तो नेशनल असेंबली पाकिस्तान और फ्रांस का होता है, और इसका खुद ट्रिक बनाओ और बताओ कमेंट करके कि इसका मैंने क्या ट्रिक बनाया है, ताकि मुझे भी पता लगे कि आप कितना मेहनत कर रहे हो इसी के साथ। और चैनल पर अगर नए हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ये डिफेंस का ही चैनल है, और वीडियो को लाइक कर देना, और वीडियो को अगर आपके दोस्त प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनके पास शेयर करो, ताकि आप भी कुछ हेल्प करो, हमारी हेल्प तो कर ही रहे हो, मुझे पता है आप सब बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हो मुझे, और वीडियो को लाइक भी करते हो। इसी के साथ जय हिंद जय भारत, अच्छे से मेहनत करो, सिलेक्शन लो, बेस्ट ऑफ लक।